हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है वेड वेड फिल्म का जो मराठी वर्जन है साथ ही में जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर एक डीप में जानकारी मिलने वाली है ये एक रीमेक फिल्म है तो ओरिजिनल और रीमेक के बीच में थोड़ा कंपेरिजन करेंगे कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे साथ ही में अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर भी हम डीप में जानकारी देने वाले हैं साथ ही में इस वीडियो से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो इंटरेस्टिंग तथ्य है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है मेडनेस ये एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फ़िल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदल इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज डिरे एक्शन वाइज ये फिल्म काफी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजीली फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के सामने 70 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन किया जिसमें से करीब 40 करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ दी हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोड़ा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथी में डब करके के ओ टी पे रिलीज़ किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टर के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म जहाँ इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने हैंडल की हुई जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूज़िक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड सौरभ भारे और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ है जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरेंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माई वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मलिक ने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जादव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनीलिया देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराफ को दिनकर जादव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेडलाव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनला देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक डायरेक्टर के तौर पर

कुछ उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफी आतुर थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था इस फिल्म को सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला था वो काफी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पर रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस सौ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहाँ पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली ये चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म में करीबन सत्तावन करोड़ तक का का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन आव... Uh, काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पेक ब्लॉक बस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज्यादा पचहत्तर करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफी ज्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉफिट काफी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफ़ी भारी रकम में बेचा था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदा हुआ था ओ टी दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर दब, फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को मैं ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिज प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहाँ पे उसको देख सकते हो साथ ही में सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब डेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दूँ तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदित्य वालों ने खरीदे वे, जो का वालों ने उनके के हुए विथ इस तरह से आप मजिली या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अलग अलग लैंग्वेजेज में इंजॉय कर सकते हो वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है, थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फ़िल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 हजार उन्नीस की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदला इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और, और, और परफॉर्मेंस वाइज डायरेक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमेंटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसके लिए मजीली फिल्म ने बीस करोड़ के बजट के सामने सत्तर करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीबन चालीस करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पे रिलीज़ किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ही हैंडल की हुई जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्को सौरभ और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स है वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ है जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माय वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मल्लिक ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जाधव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनी देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी जाधव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराफ को दिनकर जाधव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरियंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनली देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनली देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्स डायरेक्टर के तौर ऑल सभी फिल्मों में अपना डेब्यू नजर आए थे। दो फरवरी 2022 को जेनिया देशमुख ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी सेट के ऊपर जो मस्ती हो रही थी जिस तरह से शूटिंग चल रही थी उन सभी चीजों को उन्होंने शेयर किया था उसके बाद में फरवरी को मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीज़र को यानी कि वेड के टीज़र को चौबीस नवंबर दो को यूट्यूब पर रिलीज़ करवाए जिसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उस, उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहाँ पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस सौ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पर उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहां पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने 20 करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा वीक था वो भी काफ़ी बेहतरीन रहा पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पांचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पांचवें वीक तक काफी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहां पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छे वीक के अंदर करीबन Uh, काफी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज्यादा पचहत्तर करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी काफी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओ टी दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही में सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन वेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इंजॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दू तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदि मूवीज़ वालों ने खरीदे वे हुए मजली वाला वर्जन है तो उस फिल्म को भी आप ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से आप मजली या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अलग अलग लैंग्वेजेज में इंजॉय कर सकते हो वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मेडनेस ये एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज़ किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज़ हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फिल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता रुद प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदला इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज डायरेक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमेंटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसके लिए मजीली फ़िल्म ने बीस करोड़ के बजट के सामने सत्तर करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीबन चालीस करोड़ जितना शेयर कलेक्ट सं था सत्तर करोड़ के ग्रोथ में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और यह नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पे रिलीज़ किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टर के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ही हैंडल की हुई है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक्राउंड सौरभ भार ने कंपोज किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेट तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए अजय अतुल ने गाया हुआ है अजय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ अजय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना दिया हुआ है इसके अलावा सुख लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल तो ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माय वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मलिक ने तो इस तरह से तो टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस 20 दिसंबर दो को डेस म्यूजिक के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और इस सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जाधव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनिला देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी जाधव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक शराब को दिनकर जाधव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्याधर जोशी को इस फिल्म में मुरली सिंधे का रोल दिया गया था जो श्रावणी के फादर थे रविराज कांदे ने इस फिल्म में भास्कर अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है शुभांक तावड़े ने जोनटी का रोल प्ले किया हुआ था खुशी हजारे ने खुशी का रोल प्ले किया हुआ है जो निशा की डॉटर और सत्य के अडोप्टिव डॉटर है विनीत शर्मा ने इस फिल्म में कैप्टन कुमार काटकर का रोल प्ले किया है जो निशा के फादर है इसके अलावा पूजा सुरेश ने वानखड़ पूजा सुरेश वानखड़े ने रेलवे ऑफिस कलिक का रोल प्ले वैसे इंडियन फिल्म पे इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लावले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोमिन कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रीमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुंच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनलिया देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्स डायरेक्टर के तौर पर

उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज़ के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब तीस दिसंबर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज़्यादा का रहा जहाँ पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन आव... काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज़ होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी का ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफ़ी भारी रकमें बेचे था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओ टी दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही करें तो हिंदी वर्जन के, श्टार गोल, श्टार गोल के पास नाम के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इंजॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दू तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदि

एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फिल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदलत इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज डिरे क्शन वाइज ये फिल्म काफी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजिली फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के सामने 70 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीब 40 करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ़ दी हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पर रिलीज किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म जहाँ इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने हैंडल की है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सौरभ भारत और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज़ किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माई वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरुमान मलिक ने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहां पर इन गानों को काफी बेहतरीन मिला काफ़ी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जादव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनीलिया देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराफ को दिनकर जादव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरियंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेडलाव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरियंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोमिन कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनीला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्सर डायरेक्टर के तौर पे ऑल ओवर सभी फिल्मों में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए थे दो फरवरी 2022 को जीनला देशमुख ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी सेट के ऊपर जो मस्ती हो रही थी जिस तरह से शूटिंग चल रही थी उन सभी चीजों को उन्होंने शेयर किया था उसके बाद में फरवरी और उसके बाद में इस फिल्म को आ, मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीजर को यानी कि वेड के टीजर को चौबीस नवंबर दो हजार बाईस को यूट्यूब पे रिलीज करवाया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज़्यादा का रहा जहाँ पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का आ, का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पांचवे वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज़ होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉफर्टी प्रो काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओटीटी टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को मैं ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहाँ पे उसको देख सकते हो साथ ही में सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन डेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दूँ तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदित्य तो उस फिल्म को भी आप ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से आप मजिल या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ है जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माय वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मल्लिक ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो श देश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जादव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनिला देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक शराब को दिनकर जाधव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्याधर जोशी को इस फिल्म में मुरली सिंधे का रोल दिया गया था जो श्रावणी के फादर थे रविराज कांदे ने इस फिल्म में भास्कर अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है शुभंकर तावड़े ने जोनटी का रोल प्ले किया हुआ था खुशी हजारे ने खुशी का रोल प्ले किया हुआ है जो निशा की डॉटर और सत्य के अडोप्टिव डॉटर है विनीत शर्मा ने इस फिल्म में कैप्टन कुमार काटकर का रोल प्ले किया है जो निशा के फादर है इसके अलावा पूजा सुरेश ने वानखड़ पूजा सुरेश वानखड़े ने रेलवे ऑफिस कलिक का रोल प्ले किया

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लवले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रीमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनली देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनली देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्स डायरेक्टर के तौर ऑल ओवर सभी फिल्मों में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए थे दो फरवरी दो हजार की शूटिंग में, में इस फिल्म को आ, मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीजर को वेड के टीजर को चौबीस नवंबर दो हजार बाईस को यूट्यूब पे रिलीज करवाया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज़ के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब तीस दिसंबर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहाँ पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस सौ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहां पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने 20 करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मौली फिल्म जो आई थी जय लई भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफ़ी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पेक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज्यादा पचहत्तर करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी काफी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओ टी दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही में सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन वेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इंजॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दो तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदि

वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है मेडनेस ये एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फ़िल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदल इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज डिरे एक्शन वाइज ये फिल्म काफी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजिली फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के सामने 70 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीब 40 करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ दी हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस

जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पर रिलीज किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टर के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ही हैंडल की हुई है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सौरभ भारत और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुलजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ है जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माई वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मल्लिक ने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश म्यूजिक के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इन गानों को काफी बेहतरीन मिला काफ़ी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रिति

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लावले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोमिन कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनीलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक् डायरेक्टर के तौर पे ऑल ओवर सभी फिल्मों में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए थे दो फरवरी दो हजार बाईस को जीला देशमुख ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी सेट के ऊपर जो मस्ती हो रही थी जिस तरह से शूटिंग चल रही थी उन सभी चीजों को उन्होंने शेयर किया था उसके बाद में फरवरी और उसके बाद में इस फिल्म को आ, मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीजर को यानी कि वेड के टीजर को चौबीस नवंबर दो हजार बाईस को यूट्यूब पे रिलीज करवाई जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज़ के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब तीस दिसंबर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज़्यादा का रहा जहाँ पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा वीक था वो भी काफी बेहतरीन रहा पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का, का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पांचवे वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पांचवे वीक तक काफी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छे वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक बस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज़ होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफ़ी भारी रकमें बेचे था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओटी टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस होटस्ट के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही में सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन नाम के साथ आपको स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड और गोल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इंजॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दू तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदि तो उस फिल्म को भी आप ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से आप मजिली या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अलग अलग लैंग्वेजेज में इंजॉय कर सकते हो वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मेडनेस ये एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज़ किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज़ हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फ़िल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने बीस करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्था रुद प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदलत इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और, और, और परफॉर्मेंस वाइज डायरेक्शन वाइज ये फिल्म काफी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमेंटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसके लिए मजिली फिल्म ने बीस करोड़ के बजट के सामने सत्तर करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीबन चालीस करोड़ जितना कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम

जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पे रिलीज़ किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने हैंडल की हुई जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड सौरभ भारत राव ने कंपोज किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पाँच गाने पहला गाना है वेट तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए अजय अतुल ने या हुआ है अजय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ अजय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था, गाया था। मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माय वन एंड

थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का हिसाब से काफ़ी हिंदी जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे, सत्या जाधव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ फॉर्मर क्रिकेटर है जेनिला देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी जाधव का रोल प्ले किया हुआ जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ

के फादर है इसके अलावा पूजा सुरेश वानखड़े ने रेलवे ऑफिस कलिका रोल प्ले किया हुआ ने इस फिल्म पे इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरियंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक डायरेक्टर के तौर पर ऑल और सभी फिल्मों में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए थे। दो हजार बाईस को जीनिया देशमुख ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी सेट के ऊपर जो मस्ती हो रही थी जिस तरह से शूटिंग चल रही थी, उन सभी चीजों को उन्होंने शेयर किया था उसके बाद में फरवरी को मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीज़र को यानी कि वेड के टीज़र को चौबीस नवंबर दो को यूट्यूब पे रिलीज़ करवाए जिसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उस, उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था इस फिल्म को 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक सौ अड़तालीस दो घंटे अट्ठाईस मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला था वो काफी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रिमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस से और इस फिल्म ने दिखाया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहां ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली

बेंचमार्क हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मौली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा वीक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का आ, का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी प्रो, काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओटीटी टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही में सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन डेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दूँ तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदित्य

जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है मेडनेस ये एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज़ किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजली फिल्म का मजली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता रुद प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदलत इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और, और, और परफॉर्मेंस वाइज डायरेक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमेंटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजीली फिल्म ने बीस करोड़ के बजट के सामने सत्तर करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीबन चालीस करोड़ जितना शेयर सं था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराए संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोड़ा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला का वो एक छठा गाना है इसके राइट है वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथी में डब करके ओ टी टी पर रिलीज़ किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने हैंडल की हुई जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू तो कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूज़िक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए हैं जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सौरभ भारे और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ है जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ है जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरेंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माई वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मलिक ने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश म्यूजिक के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जाधव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनीलिया देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी जाधव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराफ को दिनकर जाधव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेडलाव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरियंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्ट डायरेक्टर के तौर पर

कुछ उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब तीस दिसंबर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई एम डी पे करीबन तेईस सौ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ही कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहां पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली ये चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मौली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन आव... काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे पेक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉफटी काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफ़ी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओ टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को मैं ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहाँ पे उसको देख सकते हो साथ ही में सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन डेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दूँ तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदित्य

जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मेडनेस ये एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओटीटी पे रिलीज़ किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फ़िल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 हजार उन्नीस की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्था प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदल इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज डिरे कलेक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजिली फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के सामने 70 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीब 40 करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ दी हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी टी पर रिलीज किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ही हैंडल की हुई है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्ज़न भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सौरभ भारे और कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ है जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददलानी और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माय वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मलिक ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जादव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनी देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराफ को दिनकर जादव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रवणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रीमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनली देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जनलीला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक् डायरेक्टर के तौर ऑल ओवर सभी फिल्मों में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए थे दो फरवरी 2022 को बाईस देशमुख ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग में, में इस फिल्म को आ, मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीजर को यानी कि वेड के टीजर को चौबीस नवंबर दो को यूट्यूब पर रिलीज करवाया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज़ के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब तीस दिसंबर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहां पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने

रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रो काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकम में था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओटीटी सैटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीजें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु बहू जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही में सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इंजॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दू तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदि वालों ने खरीदे वे, जो का वालों ने उनके के हुए विथ कर सकते हो तो इस तरह से आप मजिली या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अलग अलग लैंग्वेजेज में इंजॉय कर सकते हो वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रिमेक है मजली फिल्म का मजली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य प्रभु समन्तारिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदल इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज डिरे वाइज ये फिल्म काफ़ी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजिली फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के सामने 70 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीबन 40 करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ़ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पर रिलीज किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टर के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म जहाँ इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ही हैंडल की हुई है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्को सौरभ और ने कंपोज किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुक्का लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माय वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मलिक ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जाधव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनिला देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी जाधव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराब को दिनकर जाधव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लावले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोमिन कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रीमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनीलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्ट डायरेक्टर के तौर पे ऑल ओवर सभी फिल्मों में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए थे दो फरवरी दो हजार बाईस को जीला देशमुख ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी सेट के ऊपर जो मस्ती हो रही थी जिस तरह से शूटिंग चल रही थी उन सभी चीज़ों को उन्होंने शेयर किया था उसके बाद में फरवरी और उसके बाद में इस फिल्म को आ, मिड जून जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाते पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया फिल्म के टीजर को यानी कि वेड के टीजर को चौबीस नवंबर 2022 को यूट्यूब पे रिलीज करवाई जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला उस उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज़ हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज़ के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब तीस दिसंबर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज़्यादा का रहा जहाँ पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मौली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन आव... Uh, काफी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक बस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज्यादा पचहत्तर करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफी ज्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी काफी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकमें छा था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओ टी टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि वेड फिल्म के ओ टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉट के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहां पे उसको देख सकते हो साथ ही में सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के राइट्स स्टार सक... स्टार गोल्ड गोल्ड के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन नाम के साथ आपको स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इंजॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दू तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदि वालों ने खरीदे वे, जो का वालों ने उनके के हुए विथ इस तरह से आप मज़ली या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अलग अलग लैंग्वेजेज में इंजॉय कर सकते हो वेड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है, थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फ़िल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 हज़ार उन्नीस की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने बीस करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्ता रुद्र प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदलत इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और, और, और परफॉर्मेंस वाइज डायरेक्शन वाइज ये फिल्म काफी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमेंटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसके लिए मजिली फिल्म ने बीस करोड़ के बजट के सामने सत्तर करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीबन चालीस करोड़ जितना कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोथ में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम दस करोड़ तक बजट जाता है लेकिन ये पंद्रह करोड़ का बजट मतलब एक हाई बजट माना जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है रूसी के साथ तुराई संदीप पाटिल रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले और मराठी एडप्टेशन क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने कंपोज किए इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पर रिलीज किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस होस्टर के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म जहाँ इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ही हैंडल की है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब कि हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सौरभ भारत और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज़ किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ है जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददलानी और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरियंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माई वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मल्लिक ने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश के द्वारा इन सभी गानों को अवेलेबल किया और ये अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जादव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनीलिया देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक शराब को दिनकर जाधव का रोल दिया, दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्याधर जोशी को इस फिल्म में मुरली सिंधे का रोल दिया गया था जो श्रावणी के फादर थे रविराज कांदे ने इस फिल्म में भास्कर अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है शुभंकर तावड़े ने जोनटी का रोल प्ले किया हुआ था खुशी हजारे ने खुशी का रोल प्ले किया हुआ है जो निशा की डॉटर और सत्य की अडोप्टिव डॉटर है विनीत शर्मा ने इस फिल्म में कैप्टन कुमार काटकर का रोल प्ले किया है जो निशा के फादर है इसके अलावा पूजा सुरेश ने वानखड़ पूजा सुरेश वानखड़े ने रेलवे ऑफिस कलिक का रोल प्ले क्या हुआ सैंड इन इस फिल्म पे इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीरियंस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेडलाव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजिली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पे उनकी वाइफ जैनलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक् डायरेक्टर के तौर पर

उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर तो थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था इस फिल्म को एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज़्यादा का रहा जहाँ पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली ये चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने बीस करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से चालीस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लय भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा विक था वो भी काफी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का आ, का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक बस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा से पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी प्रो, काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफ़ी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओटी टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु बहू जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को डिजनी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहाँ पे उसको देख सकते हो साथ ही में सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन डेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दूँ तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदित्य

एक 2022 की इंडियन मराठी लैंग्वेज फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब में साथ ही में ओ पे रिलीज किया हुआ है थिएटर में सिर्फ मराठी वर्जन ही रिलीज हुआ था वेड फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मजिली फिल्म का मजिली के बारे में बातचीत करें तो वो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें नागा चैतन्य समन्था प्रभु दिव्यांशा कौशिक सुब्बा राजू राव रमेश अतुल कुलकर्णी अनन्या अग्रवाल जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बदल इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गए थे फिल्म का डायरेक्शन स्क्रीन प्ले म्यूजिक डिपार्टमेंट एडिटिंग सभी जगह पे फिल्म काफी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी थी तो ओवरऑल टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज एक्शन वाइज ये फिल्म काफी दमदार बनी थी जिसके चलते ये रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसके लिए मजीली फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के सामने 70 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया जिसमें से करीब 40 करोड़ जितना शेयर कलेक्शन था सत्तर करोड़ के ग्रोस में से तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और ये नागा चैतन्य के करियर की वन ऑफ़ दी हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से भी एक फिल्म रही थी अब वेड फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो ये रितेश देशमुख का डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जहाँ पे एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई हुई है साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जेनीलिया डिसूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पंद्रह करोड़ के हाई बजट में बनाया हुआ है क्योंकि मराठी फिल्मों के लिए पंद्रह करोड़ का बजट मतलब काफ़ी हाई होता है नॉर्मली फिल्म पाँच करोड़ के आसपास के बजट में बन जाती है मराठी फिल्मों की एवरेज लगाए तो और इसके अलावा मैक्सिमम करोड़ तक बजट 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 जाता है लेकिन मतलब एक हाई माना जाता है। इस फिल्म का मतलब हाई रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था मुंबई फिल्म कंपनी जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी इसी के साथ फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोड़ा ने की हुई थी सिनेमेटोग्राफी भूषण कुमार जैन ने की हुई थी फिल्म के गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए वहीं पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सौरभ भालेराव ने कंपोज किया हुआ है म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो जो गाने हैं फिल्म में टोटल पाँच है वैसे एक वर्जन और एड किया हुआ है जो अजय वाला एक था सुख कला ले का वो एक छठा गाना है इसके राइट से वो देश म्यूजिक के पास है जो रितेश देशमुख की प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म के साथ एज ए म्यूजिक कंपनी के तौर पे अपना डेब्यू किया हुआ है अब बात करें इस फिल्मों के गानों की तो अजय अतुल ने किए किया इन सभी गानों को उन्होंने हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को हिंदी में साथ ही में डब करके ओ टी पे रिलीज किया हुआ है मराठी लैंग्वेज के साथ जिसके चलते ये फिल्म दोनों वर्जन में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को तो मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म में जो लीड एक्टर है उनके वॉइस ओवर यानी कि ओवरऑल फिल्म की जो डबिंग है जिस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट सभी चीज़ें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने हैंडल की हुई है जिन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास ही फिल्म को डब करवाया हुआ है कोई डबिंग आर्टिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है और अजय अतुल ने खुद हिंदी वर्जन को रिक्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब हिंदी वर्जन भी आपको प्योर ओरिजिनल वर्जन जितना ही सिंपल और बेसिक कट टू कट सेम देखने को मिलेगा कोई चेंजेस ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे हाँ फिल्म के जो डायलॉग्स है या फिल्म के गानों के जो लिरिक्स है उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे मराठी और हिंदी कल्चर के हिसाब से अब बात करें साउंड के ऊपर तो देश म्यूज़िक ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड सौरभ भारे और ने कंपोज़ किया हुआ था गाने अजय अतुल ने कंपोज किए हुए थे गानों के लिरिक्स से वो गुरु ठाकुर अजय अतुल ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे इस फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है वेड तुजा जिसके लिरिक्स लिखे हुए जय अतुल ने गाया हुआ है जय गोगवाले ने एक गाना है वेड लावलिया जिसको लिखा हुआ है जय अतुल ने गाया हुआ विशाल ददला ने और अजय गोगवाले ने और इसी गाने में सलमान खान ने अपना केमी अपीरेंस दिया हुआ है इसके अलावा सुख कला लेकर के एक गाना था जिसके दो वर्जन थे लिरिक्स अजय अतुल ने लिखे हुए थे एक लेडी एक फीमेल वर्जन था उसको श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था मेल वर्जन को अजय गोगवाले ने गाया हुआ था बेसूरी करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी अजय अतुल ने ही लिखे हुए थे वसुंधरा वी ने उसको गाया हुआ था माई वन एंड ओनली करके जो गाना था उसके लिरिक्स गुरु ठाकुर ने लिखे हुए थे गाया हुआ था अरमान मलिक ने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बाईस मिनट तेरह सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था बीस दिसंबर दो को देश म्यूजिक के द्वारा इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इन गानों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला काफी अच्छे खारे सा, सारे व्यूज हासिल किए और ये एक अच्छा बस क्रिएट कर गए फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म के गाने इतने बन पड़े थे अच्छे जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा निकल के आया था तो फिल्म का एक मराठी फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया बस क्रिएट हुआ था और ये सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो रितेश देशमुख जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे सत्या जाधव का किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर है जेनिला देशमुख जो इस फिल्म के साथ मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है जिन्होंने श्रावणी जाधव का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्या की वाइफ है जया शंकर ने भी इस फिल्म के साथ फुल फीचर फिल्म में अपना डेब्यू किया हुआ था निशा काटकर का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल था अशोक सराफ को दिनकर जाधव का रोल दिया गया था जो सत्या के फादर थे विद्या

इंस्पेक्टर सोनवाने का रोल प्ले किया हुआ है कुणाल पवार को कुणाल का रोल दिया गया था जो ब्राइड के ब्रदर थे ऋषिकेश जोशी को इस फिल्म में संदीप पाटिल का रोल दिया गया था श्रावणी का बोस का रोल था सिद्धार्थ जाधव आपको सुरेश के रोल में दिखाई देंगे जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म में रमेश का रोल प्ले किया हुआ है सलमान खान एक गेस्ट अपीयरस में देखने को मिलेंगे भाव वाला किरदार है वो उन्होंने भाव वाला जो किरदार था वेड लव ले गाने में उन्होंने उसमें परफॉर्म किया हुआ है किशोर गाड़ेकर ने इस फिल्म में एडवोकेट के तौर पर गेस्ट अपीरेंस दिया हुआ है फिल्म की लीड प्रोम कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रितेश देशमुख के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो मजीली का मराठी रिमेक बनाने वाले जहां पे उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करेंगे वहीं पर उनकी वाइफ जैनलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फिल्म को इनिशियली जब बनाया जा रहा था तब इतना बजट नहीं था लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म का बजट करीबन पंद्रह करोड़ पहुँच चुका था और ये मराठी फिल्मों में जैनिला देशमुख का डेब्यू था वहीं पर रितेश देशमुख एक्ट डायरेक्टर के तौर पर

कुछ उसके बाद कुछ वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में गाने रिलीज हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा बस क्रिएट हो चुका था और लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी आतुर थे जब फिल्म का ट्रेलर आया उसको भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बस चाहिए होता है फिल्म को रिलीज के वक्त वो इस फिल्म को मिल चुका था जब 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था इस फिल्म को सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे अट्ठाईस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था साथ ही में इस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पांस मिला था वो काफी पॉजिटिव साइड के ऊपर था जहां पे रीमेक फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को डायरेक्टर ने हैंडल किया था यानी कि रितेश देशमुख ने हैंडल किया था वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई थी फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ उसी तरह का कलेक्शन करके दिखाया था पहले दिन इस फिल्म ने ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस कलेक्शन साढ़े तीन करोड़ का था किसी मराठी फिल्म के लिए एक अच्छा खासी ओपनिंग थी खास करके कोविड के बाद तो बहुत बड़ी ओपनिंग थी वीकेंड फिल्म का करीबन दस करोड़ से ज्यादा का रहा जहां पे ऐसी ओपनिंग लेने वाली है चौथी मराठी फिल्म बनी वीकेंड में इतना कलेक्शन करने वाली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉग था जिसके चलते जो वीक डेज होते उसमें फिल्म ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया स्टेडी वे में परफॉर्म किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने करोड़ सड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया वहीं पे सेकंड वीक कंप्लीट होते होते इस फिल्म ने इंडिया से 40 करोड़ लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे इस फिल्म ने करीबन बीस दिनों के अंदर पचास करोड़ का मार्क हासिल किया और ऐसा करने वाली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मराठी फिल्मों में से टॉप लिस्ट में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पचास करोड़ का बेंच हासिल करने के बाद इस फिल्म ने मोली फिल्म जो आई थी जय लई भारी जो रितेश देशमुख की खुद की फिल्म थी तो उन सभी फिल्मों को भी उसने टेक ओवर कर लिया था अब बात करें कि इस फिल्म का जो चौथा वीक था वो भी काफ़ी बेहतरीन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन सत्तावन करोड़ तक का, का, का कलेक्शन करके दिखाया इसके अलावा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया था ग्रोस कलेक्शन करीबन सत्तर करोड़ नब्बे लाख का था उसके बाद में इस फिल्म ने पाँचवें वीक तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने छः वीक के अंदर करीबन काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया और उसके बाद में पचहत्तर दिनों के अंदर इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे पेक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही पंद्रह करोड़ के बजट के सामने पचहत्तर करोड़ का ज़्यादा पचहत्तर करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया खुद का ही प्रोडक्शन कंपनी खुद की रिलीज होने की वजह से इस फिल्म का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते फिल्म प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई उसके बाद में जब ओ टी के लिए इसके राइट्स बेचे गए उसको भी काफी भारी रकमें बेच था जिसको स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था ओ टी सेटेलाइट दोनों हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने ही खरीदे हुए थे मराठी वर्जन के राइट्स भी उनके ही पास थे जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मुंबई फिल्म कंपनी के ही द्वारा इस फिल्म के क्रिएटर्स के ही द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदी डब करवा के उनको बेचा गया जहाँ पे गानों से लेकर फिल्म के एक्टर की डबिंग तक सभी चीज़ों को में ध्यान रखा गया ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास ही ये सभी चीज़ें तैयार करवाई गई ओरिजिनल एक्टर के पास ही डबिंग करवाई गई थी जिसके चलते फिल्म हु बहू जो मराठी में आपको फीलिंग देती है वही फिल्म हिंदी डब वर्जन में वही फीलिंग देगी अब बात करें किस तरह से देख सकते हो उसके ऊपर तो वेड फिल्म को प्लस हॉटस्टार के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका मतलब कि वेड फिल्म को आप प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली ऑफिशियलीय कर सकते हो मराठी के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वेड नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वेड फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के पास है जहाँ पे वेड फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर मराठी लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया हुआ है इसके अलावा वहाँ पे उसको देख सकते हो साथ ही में सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के पास है इसका मतलब इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन डेड नाम के साथ आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ दिख सकता है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मजिली के ऊपर जानकारी दूँ तो मजिली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स आदित्य वालों ने के हुए, विथ कर सकते हो तो इस तरह से आप मजली या वेड दोनों फिल्म को ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अलग अलग लैंग्वेजेज में इंजॉय कर सकते हो तो बस गए वेड फिल्म के ऊपर मेरे पास जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। आप इस फिल्म को किस तरह से ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो हिंदी मराठी सभी वर्जन में उसके ऊपर जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है साथ ही में फिल्म के ऊपर एक डीप रिव्यू दिया हुआ है जहां पे मैंने कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है फिल्म के अलग अलग स्पे के ऊपर भी जानकारी दी हुई है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू